और पूरब का धैर्य त्याग के भी जानने लगे कि ये हमारे शत्रु नाश करता है, इनसे किसी प्रकार बचे। उनको धैर्य नष्ट हो गया और जैसे जल बिना कमल की शोभा जाती रहती है, ये शोभा जाती रहती है, खाने पीने की वासना फुराई और संसार की भयानक गति को प्राप्त हुए। तब वे आश्रय लेकर युद्ध करने लगे और ढाल आदि आगे रखे। वे अहंकार से ऐसे भयभीत हुए कि ये हमको मारते हैं, हम इनको मारते हैं। इस चिंता में इन सबों का हृदय फंस गए और सने सने युद्ध करने लगे। जब देवता शस्त्र चलावे तब वे बच जावे और भयभीत होकर भागे। अहंकार के उदय होने से उनके मस्तक पर आपदा ने चरण रखा और वे महाधीन हो गए और ऐसे हो गए कि यदि कोई उनके आगे आ पड़े तो भी उनको न मार सके। जैसे काष्ठ से रहते अग्नि छीर हो छीर को नहीं भक्षण करते, तैसे ही वे निर्बल हो गए। उनके अन्न काटे जावे तो वे भाग जावे और जैसे समान सूर्य युद्ध करते हैं तैसे युद्ध करने लगे। हे रामदेव, कहाँ तक कहूँ, वे मरने से डरने लगे और युद्ध न कर सके। तब देवता वज्र आदि से उनको प्रहार करने लगे, जिनसे वे चूरण हो गए और भयभीत होकर भागे। निदान दैत्यों के सब सेना भागे और जो जो देश देशांतर थे आए थे वह भी सब भागे। कोई किसी देश को पहाड़ कंदरा और जल में चले गए और जहाँ जहाँ स्थान देखा वहाँ वहाँ चले गए। निदान सब दैत्य भयभीत होकर हारे और देवताओं की जीत हुई तो दैत्य भाग के पाताल में जा चुके। तीसरी योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण दामदाल कटपाख्यान सुरनाम 191वां सर्ग। हरिओम। शांति शांति शांति। Thank you.
श्री प्रेम प्रदान मंडल की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। अमरापुर दरबार की जय। Yeah।
Thank you.
अर्चनी वंदनी आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज एवं उनकी जंक्शन में बैठी हुई प्यारी बागों वाली साथ संगत प्रेम से कहिए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सतनाम साखी नाम सतनाम साखी नाम सतनाम साखी सतनाम साखी हरि नाम नहीं दियाया तुम मिर्था जन्म गवाया। संसार में हम आ गए, मनुष्य का चोला हमें मिला। यह मनुष्य का चोला वह चोला है जिसको पाने के लिए देव आदि अपने सर्व कर्म सर्व पुण्य स्वर्ग सब ऐशो आराम त्यागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु मनुष्य का चोला नहीं मिलता। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने सत्शास्त्रों में अपने अनुभव के माध्यम से बताते हैं कि जो ये मनुष्य का चोला है सर्वश्रेष्ठ चोला है। मतलब इस चोले में मनुष्य स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो कर सकता है और उसे करना क्या चाहिए। संसार में आ तो हम गए, धर्म हमारा था जो हमने किया नहीं, कर्म जो हमें करने थे वो हमने किए नहीं। मात गर्भ में कर इकरारा बाहर निकसा नाम बिसारा मीठी लागी माया तुम विरथा जन्म गवाया हरि नाम नहीं दियाया। मानुष रूपी जन्म क्यों मिला? हरि नाम ध्याने के लिए प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानुष चोला मिला। पर हमने क्या किया?
मातृगर्भ में जब हम उस कुंभी नरक में उल्टी लटकी हुई थी, तब तक तो हमें याद था कि प्रभु परमात्मा से हम वादा करते थे जी कौल कई इंसान वचन कर याद सो पहनजो। आचार्य सद्गुरु स्वामी टीवराम जी महाराज की अमृतमय वाणी अमरापुर वाणी में भजन आता है कि जी कौल कई इंसान, मातृगर्भ में ना जब हम होते हैं तो प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे इस कुंभी नर्क से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा ध्यान धरूंगा, संसार में आकर तुम्हारा नाम जपूंगा, सब शुभ कर्म करूंगा, नेक कर्म करूंगा, किसी के साथ बुराई ना करूंगा, सत्य विचार धारण करूंगा। परंतु जब इस संसार में आते हैं तो क्या वे सत्कर्म हम करते हैं? लोगों से भलाई जो हमें करनी चाहिए वह करते हैं? जो मीठी वाणी हमें सबसे बोलनी चाहिए, किसी से बोलते हैं किसी से नहीं बोलते हैं, और जिनसे बोलते हैं उनसे भी कुछ स्वार्थ मात्र के कारण ही हम बोलते हैं, इसी क्रिया को करते करते हमारा पूरा जन्म निकल जाता है। बालापन के लन में खोया, कबू हसिया कबू रोया, सोच बिना दुख पाया, तुम वृथा जन्म गवाया। बालापन आया, सोचा अभी तो बालापन है, कुछ मौज मस्ती कर लेते हैं, खेल क्रीड़ा आदि करते हैं, दर दर भटकते हैं, ऐसे करते करते सोचा अभी तो बच्चे हैं, बालापन है, कोई नहीं, जवानी आएगी तो प्रभु परमात्मा का नाम जपेंगे, हरि सुमरण करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, प्रेम से कहेंगे श्री राम, फिर भी कहेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो यह विचार किया, क्या किया विचार कि भाई अभी तो जौवन अवस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, उसमें प्रभु परमात्मा का खूब चिंतन करेंगे, भरपूर नाम जपेंगे, भरपूर भलाई करेंगे। ऐसे करते करते बालापन गंवा दिया। फिर आई जौवन अवस्था, जौवन में प्रिय लागी नारी, ताहित पाप किए बहुबारी, कर्म न नेक कमाया, तुम वृद्धा जन्म गंवाया, परंतु हरि नाम नहीं दियाया। जौवन अवस्था आई, जवानी आई, जौवन में प्रिय लागी नारी, नारी के वश में आकर पता नहीं कितने अनगिनत पाप तो हम पहले पिछले जन्मों में करते आए हैं और इस जन्म में भी फिर किए। ताहित पाप किया बहुबारी, कर्म न नेक कमाया, पर सार क्या निकला? कोई शुभ कर्म नहीं किया। फिर प्रभु परमात्मा से कहते हैं, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है तो हे प्रभु परमात्मा, ऐसा हमने कौन सा कर्म किया जिसकी सजा आप हमें दे रहे हैं? प्रेम से कहिए श्री राम, फिर भी कहिए सतनाम साखी। यही कर्म नहीं किया, प्रभु परमात्मा का नाम नहीं जपा और उनसे प्रेम नहीं किया, जिनसे प्रेम करना चाहिए था उनसे प्रेम किया नहीं। संत गुरु परमात्मा सांचे संगी जान, कहीं टेऊ इन तीन से कर ले प्रेम सुजान। प्रेम के लायक अगर संसार में कोई है ना तो तीन ही जने, संत गुरु परमात्मा, इनके अथवा जो भी संसार का प्रेम है, देखा देखी स्वार्थी तीजा मन का मान, कोई प्रेम सच्चा नहीं है। हाँ, पर ये प्रेम सच्चा है, ये प्रेम अगर ना एक बार हमने कर लिया, संसार के कार्य व्यवहार करते रहे, जो वहां जरूरी करते रहे, पर प्रेम किससे करें? प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे, छोड़ जगत के सर्व द्वारे। एक बार ना अगर प्रभु परमात्मा से प्रेम कर लिया तो याद रखना, आपको संसार में कोई भी कष्ट हो, कोई भी विपत्ति हो, वे सब दूर कर देंगे, पर उनसे प्रेम तो लगाना पड़ेगा, नियत तो निभाना पड़ेगा। आगे गुरु महाराज बताते हैं, बूढ़ापन में होई अधीना, कई टेऊ हरि भजन नकीना, बहुता लोभ बढ़ाया, तुम वृथा जन्म गवाया, पर हरि नाम नहीं दियाया। देखिए, बालापन चले गया, जौवन अवस्था चली गई, बूढ़ापन आया, बूढ़ापन में आए कष्ट कि कैसे घर चले, कैसे इस जो मानुष रूपी देह मिली है उसको सफला किया जाए,
अब शरीर के रोगों की तरफ से ध्यान हटे तो प्रभु परमात्मा का चिंतन किया जाए ना। बुढ़ापन में शरीर ही निरस्त हो जाता है, कुछ कार्य कर नहीं सकता है, तो फिर प्रभु परमात्मा का नाम कब जपेंगे। इसी प्रकार अपना पूरा जन्म हम बिता देते हैं, कहते हैं आज छोड़ कल करेंगे, आज काल के करत ही अवसर जाती चाल। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगो कब। तो संतों महापुरुषों की चरण शरण में बैठे हैं, उनके द्वारे पर आए हैं, उनके द्वारे पर बैठ के उनसे यही प्रार्थना करें, यही विनय करें कि विपत मेरी दूर करो महाराज। हे प्रभु परमात्मा, तुम्हारी चरण शरण में आए हैं, इस संसार से में बाहर जाते हैं, गुरु दरबार से बाहर जाते हैं, फिर उस काम क्रोध लोह रूप में बंध जाते हैं, संसार की मोह माया में बंध जाते हैं। पर जब तक यहाँ पर है कब, तब तक कब, उस समय तो प्रभु परमात्मा का नाम जपे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे अपने मन को बहुविधि प्रकार से समझाकर उन प्रभु परमात्मा की शरण शरण लेंगे तो हमारा इस संसार सागर से बेड़ा पार होगा। हरि ओम। गुरु महाराज की चरणों में यही प्रार्थना करें, ऐसा स्मृति का दान मांगे कि हमारा इस संसार सागर से बेड़ा पार हो, हमारी बुद्धि जो संतों महापुरुषों की भगवान की चरण शरण में जाकर बस जाए। सुमति का दान दीजिए, सुमति को काट लीजिए, सुमति का दान दीजिए, सुमति को काट लीजिए, बड़ी बाती दीजिए, बड़ी बाती को काट लीजिए, मन भाव भक्ति बीजे, ऐसी ही दया कीजिए। सुमति का दान क्यों मांगा क्या? क्योंकि रामायण के अंतर्गत ही गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जहां सुमति तहां सुता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। जहां सुमति होगी सच्चा ज्ञान होगा, बिना विचारी जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। पर ना जहां सुमति होगी, संतों महापुरुषों के द्वारा मिला गया ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सत्य मार्ग का हमें बोध होगा, तो वहां कभी हमारा काम बिगड़ ही नहीं सकता। इसलिए संत महापुरुष यही हमें उपदेश देते, यही समझाते हैं कि गुरु संतों महात्माओं की क्षण क्षण में जाए, भगवान के दर पे जाए तो उनसे क्या मांगे, संसारी पदार्थ नहीं मांगकर सुमति का दान दीजिए।
कुमति को काट लीजिए, उससे क्या होगा मन भाव भक्ति बीजे, ऐसी ही दया कीजिए। संसार भ्रम मिटाओ कर ज्ञान की उजारी, ईश्वर तेरे द्वारे आया हूँ मैं भिखारी। ऐसी संतों महापुरुषों से गुरुओं से प्रार्थना करनी है कि हम तेरे दर पे भिखारी हैं, क्योंकि जब तक नतमस्तक नहीं होंगे कृपा को प्राप्त करने के लिए, कृपा जब तक नहीं, कृपा का अर्थ ही होता है कि कृतपा, जब तक उन संतों महापुरुषों के चरणों में गिरेंगे नहीं, नतमस्तक नहीं होंगे, उनके सामने जोली नहीं फैलेंगे, तब तक हमें उन प्रभु परमात्मा से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और उनके सामने गिरने से पहले हमें अपने विषय विकार, जिस संसार के अंदर हम लिप्त हैं, जिस मोह माया के अंतर्गत हम फंसे हुए, उनसे हमें बचना पड़ेगा। उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, विषयों को मन त्यागे हरि चरण माही लगे, विषयों को मन त्यागे I'm
चल समाधि तेरी तेरी पिजला तेरे राजे रूप मनोर सुंदर लोचन कर मनोर सुंदर लोचन देखत मधुबाजी सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास कहे तो नित सुमत दे संतन माही निवास कहे तो नित सुमत दे संतन माही निवास ओम सतनाम साखी राव कंसो भजन
मिली अब संग संतों के वचन सत का जाया है, सचा स्वरूप सतगुरु का बंधन मेरे समाया है। ठेक सतो गोशील सुखदाई सयन शरदा सुमति पाई, कहा जोड़े दिल के माही धर्म धीरज में पाया है। बया वैराग्य सुख राशि जगत देखा सर्व निवासी, कहे जग मोह के पाशी सफल जीवन बनाया है। अगम निज देश में रैया छिप गई रैन दिन भैया, अभी डर काल का गैया मगर निभा बसाया है। शिव हम सर्व का स्वामी कहे तो सुख निधानी, बया स्वरूप आरामी सर्व दुख दंद जाया है। बया स्वरूप आरामी सर्व दुख दंद जाया है। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाशी प्रेमियों रहो गुरु के पास, कहे टोल तई पढ़ो श्री ग्रंथ प्रेम प्रकाश। ओम श्री गुरु परमात्मे नमः। ओम श्री सतनाम साक्षी नमः। श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ मंगलाचरण दोहा, सत्य चित आनंद ब्रह्म एक निर्गुण निराकार, कहे तो जो होते सगुण रूप साकार। ताको में वंदन करो जान सर्व का रूप, कहे तो सोवत जिसे सुर नर मुनि जन भूप सवैया। आदिन अंत न जाय बखानत पूर्ण आत्म सर्व निवासी, पांच पचीस की गम न थे कोश अतीत स्वयं प्रकाशी। वाक हृदय मन पार न पावत अगम अगोचर है चिदाशी, ते कहे तुम लोक विषय नित ब्रह्म व्यापक है अविनाशी। आत्म एक अनादि अनंत जो सर्वव्यापक सुख निधाना, वाक बुद्धि मन इंद्र अगोचर चेतन रूप जो है निर्वाणा। बंधन मोक्षन रागन रोशन भूतन कोशन वेद बखाना, ते कहे गुरु संतन के संग सोहम आत्म देव पछाना। ध्यान किए नहीं ध्यान में आवत सो गुरु आत्म ध्यान सुधीना, जो सुख पा सुख और न चाहत ता सुख में गुरु लीन सुकीना। देखने योग्य दिखाए दिया गुरु आत्म दर्शन में मन दीना, ते कहे करो ते वंदन दे जिए ज्ञान सुबंदन छीना। ओम सतनाम साखी श्री अंगरा पुरवाणी राग भैरव भजन। गुरु दयाल प्रीत पाल प्रभु पार तारो, प्रभु पार तारो हरिदास मैं तुम्हारो। टेको तू अडोल तू अमोल तू अमोल सारो, तू अकाल सर्व काल कठिन काल तारो, सर्व सार तू सतार अगम तू अपारो,
निरंकार निरंकार नाम दो बारो जीव पुंड ब्रह्म मंड सर्व तप सारो परम चंद हे अखंड नाथ में सुधारो विश्वपाल तुम गोपाल मैं बाल थारो कहे तेल ताप तेल पाप सब निवारो राम भर बजंदो भक्ति ज्ञान दान दे दिन के दयाल जी दिन के दयाल मोह जान अब बाल जी टेक वाम धाम सुत्म मंगो नई रत्न लाल जी अखंड अभिधान मंगो हर कठिन काल जी रिद्धन मंगो सिद्धन मंगो मोई मंगो माल जी साध संगत सेव मंगो तोर जगत जाल जी राज ताज मही मंगो विश्व सुख विशाल जी धर्म दया दीर मंगो करो मुर जाल जी स्वर्ग सुख नहीं मंगो मंगो पद अकाल जी कहत ते नजर दर नाथ कर निहाल जी कहत ते नजर दर नाथ कर निहाल जी बोल गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सतनाम साक्षी गुरु प्रार्थनाष्टक परम पावन गुरु ते हूँ दावन गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही मिटाई हमें दान गुरु हाथ दान गुरु हाथ कल्याण गुरु भजक सुनाइए तारण तारण गुरु तारण तारण गुरु विघ्न तारण गुरु भुविड़ी बनाइए कहे देवत गुरु राघो मेरी पथ गुरु शिकार मत गुरु चरण लगाइए परम दयाल गुरु परम कपाल गुरु परम उजाल गुरु ज्योति गुराइए सुंदर सुचाल गुरु नित्य ही निहाल गुरु हमर अकाल गुरु हम से बचाइए सुंदर गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु नानक काल गुरु हम छुड़ाइए